साझेदार की मृत्यु। किसी साझेदार की मृत्यु होती है, किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसमें दो डिफरेंस होते हैं, अवकाश ग्रहण करने में और किसी साझेदार के की मृत्यु में। केवल मैंने तुमको दो अंतर बताए थे, एक तो मृत्यु की तिथि निश्चित नहीं होती जबकि अवकाश ग्रहण करने की तिथि निश्चित हो सकती है, ये अंतर बताया था। दूसरा बताया था जे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसमें संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी अलग तरीके से की जाएगी, राइट। तो जेल भी कैसे लिखी जाएगी उसके लिए मैं तुमको अलग से एक क्वेश्चन भी आता है इसमें चार नंबर का, और इसमें काफ़ी लंबी कहानी है, तो वो लंबी रामायण कैसे है आप बताते हैं। तो इसमें संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, इसको नाम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लिख रखे थे, लेकिन दो प्रकार से पॉलिसी ली जा सकती है, एक तो पृथक पृथक, नंबर एक पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी, यानी साझेदारों के जीवन पर प्रत्येक साझेदार की अलग अलग जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी हो तो हम क्या करेंगे। तो देखो समझ लो इसको पहले, एक मान लो ए बी सी तीन साझेदार है, अब तीन साझेदारों में से सी की मृत्यु हो जाती है तो पैसे किसकी पॉलिसी से मिलेंगे, सी की से, ए और बी की से कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो सी की पॉलिसी से पैसा मिलेगा उसमें ए और बी का भी हिस्सा होता है, होता है। अब ए और बी की पॉलिसी से जो भविष्य में पैसा मिलने वाला है उसमें सी का हिस्सा है, लेकिन सी की तो मृत्यु हो जाती है, वो पैसा लेने कैसे आएगा ए और बी का, इसलिए इसकी एंट्री अलग तरीके से होती है। और वो कैसे होती है पहले मैं ये समझाता हूँ, कौन सी पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी के समझ करता हूँ। इसमें पहली प्रविष्टि है मृतक साझेदार की, मृतक साझेदार की पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर सबसे पहले जिस साझेदार की मृत्यु होगी उसके जीवन बीमा पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी, और उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और यह बीमित राशि यानी जितनी राशि का हमने बीमा कराया है किसकी का मृतक साझेदार, और दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अब सेकंड एंट्री होती है इस राशि को प्राप्त राशि को सभी साझेदारों में बांटने पर, ये राशि सभी साझेदारों पर जाएगी और एंट्री होगी लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर वो प्राप्त राशि और यहां लाभ हानि अंतर,
इसकी पटरी, भाई इसकी इसका पैसा तो बांट लिया, लेकिन जो साझेदार मृतक है वो तो जा रहे हैं, तो अन्य से साझेदार बचेंगे उनकी राशि में इसका हिस्सा निर्धारित किया जाएगा। इसलिए तीसरी प्रविष्टि होगी देने पर, यानी जो मृतक साझेदार है उसको इससे किस पर समर्पण मूल्य, समर्पण मूल्य का मतलब मैंने बताई दिया था, सरेंडर वैल्यू समझते हो, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, सरेंडर वैल्यू वो होती है जिस पर बीमा पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है, उसको ड्रॉप किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, और जिस दिन पॉलिसी बंद की जाती है उस दिन कितनी राशि प्राप्त होगी। जैसे समझ लो इसको, आपने 1,00,000 रुपए की बीमा पॉलिसी करा रखी है और आपने 10 किस्त जमा कराई, 2,000 5,000 की, और उस दिन आपने कितना रुपए जमा करा दिया, 60, और आप अब इसको भविष्य में चालू रखना नहीं चाहते हो, भविष्य में रखना नहीं चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो 60,000 रुपये जो जमा कराएं उनमें से कंपनी द्वारा जो राशि दी जाएगी वो क्या है, समर्पण मूल्य। 60 नहीं देती है कंपनी, क्योंकि कंपनी का प्रोसेसिंग वगैरह का जो खर्चा है वो काट लेती है, और हमेशा समर्पण मूल्य बढ़ता रहता है, पहले वर्ष 0 रहता है, उसके बाद 5% 10% 15% 20% हर साल जो सरेंडर वैल्यू है वो बढ़ती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है, और वो कब समय आता है, जब या तो समय अवधि पूरी हो जाए या जिसने बीमा पॉलिसी कर रखी उसकी मृत्यु हो जाए। तो सरेंडर वैल्यू को मतलब समझ गए, यानी जिसमें पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है, समर्पण किया जा सकता है, उसको समझ। अब उस समर्पण मूल्य की राशि में उसका हिस्सा होगा किसका, जो साझेदार मृतक है उसको देगा वो रिमेनिंग पार्टनर, तो एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिहार टू डिपेंडिंग पार्टनर्स कैपिटल। हमेशा ध्यान रखो ये हिस्से की राशि और यह फायदे का अनुपात, ये तुमने निकाला ही था, गेट रेशो निकाला कि नहीं, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर फायदे का अनुपात, पहले कम मिलता था ज्यादा मिलेगा, तो हमेशा ज्यादा में से कम घटाया जाता है। ये 3 एंट्री होगी कब, जब जीवन बीमा पृथक पृथक हो, अलग अलग हो, फायदे का अनुपात, गेट रेशो, अब है सेकेंड स्थिति संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, ये कौन सी थी, पृथक पृथक, जो सभी साझेदारों की अलग अलग बीमा पॉलिसी ले रखी है, संयुक्त जीवन बीमा
ओनर्स, इसको बोलते हैं जे एन पी, जॉइंट लाइफ ओनर्स। समझ में ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। पहली, देय प्रीमियम की राशि, देय प्रीमियम की राशि को सामान्य व्यय माना जाए, यानी जैसे अन्य व्यापारी व्यय होते हैं उसी तरह अगर हम प्रीमियम की राशि चुकाते हैं तो उसको एक सामान्य खर्चा माना जाए। जैसे भाई हमने किराया चुकाया, सैलरी दी, वेजेज दिया, या हमने चाय पी, बिस्कुट खाए, जो सामान्य व्यवसाय में खर्च होते हैं उस तरह का खर्चा माना जाए। किसको? जो प्रीमियम, क्योंकि अरे पॉलिसी किसको दी जाती है? बीमा कंपनी पॉलिसी की राशि का भुगतान किसको करेगी? जो प्रीमियम चुकाएगा। फ्री में नहीं मिलती है ये, जो प्रीमियम चुकाता है उसी को बीमित राशि प्राप्त होती है, राइट? तो मैंने बताया था इसमें दो चीज होती है, एक तो बीमा ही होना चाहिए, तुम लोगों ने बीमा पढ़ा था 11वीं में बीएसटी में, एक तो बीमा ही होना चाहिए और एक जो बीमा पॉलिसी है उसमें घटना का घटित होना या समय अवधि पूरी होना, दोनों में से जो पहले होती है तब राशि प्राप्त होती है। दोनों स्थिति बताई थी, क्या बताया? बीमा हित का मतलब होता है जिसमें बीमा कराने वाले व्यक्ति का बीमित व्यक्ति से कोई हित हो। ऐसे तो कोई भी रास्ते हुए चलते हुए आदमी को देख लेगा, कोई 90 साल का नौकर रह रहा है और उसका बीमा करा दिया तो 2-4 दिन पीछे मर जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। उसको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे राशि उसी को मिलती है जिसमें उस व्यक्ति का हित हो, यानी उसकी मृत्यु से किसको नुकसान हो रहा है। हित का मतलब ये होता है, राइट? बच्चों का माता पिता से होता है, पति का पत्नी से होता है, ठीक है, भाइयों का भाइयों से होता है, परिवार जो होता है उससे होता है। हम किसी अन्य व्यक्ति का बीमा नहीं कर सकते। साझेदार का साझेदार में हित होता है, तो एक साझेदार दूसरे साझेदार का हित नहीं होगा था, एक साझेदार की मृत्यु से दूसरे साझेदार को भी हानि होती है। तो हम इसको एक सामान्य व्यय मान लेते हैं। और दूसरी स्थिति होती है, देय प्रीमियम की राशि को विनियोग माना जाए। कि हम जो पैसे दे रहे हैं प्रीमियम के वो हमारा क्या है? इन्वेस्ट है। अरे आप पैसे बैंक में जमा कराते हो तो ये क्या है? इन्वेस्ट है या व्यय है? इन्वेस्ट है। स्वाभाविक है, हम तब भी चाहेंगे जब निकाल सकते। तो प्रीमियम की राशि का जो भुगतान किया जा रहा है वो भी तो विनियोग ही है, क्योंकि ये पैसा कभी कभी तो हमें रिटर्न मिलेगा, जीवित होने रहने पर या मृत्यु होने पर, दोनों स्थिति में मिलेगा। तीसरा है, देय प्रीमियम की राशि को विनियोग माना जाए तथा संचय के रूप में भी संचय किया जाए, संचय खाता खोला जाए। यानी इस राशि को रिजर्व मान लिया जाए। और इसमें दोनों स्थितियां होती है। इस तीसरी में एक तरफ तो हम विनियोग मानेंगे, संपत्ति मान लेंगे, और दूसरे जो प्रीमियम की राशि जो हमने चुकाई है उसको एक प्रीमियम संचय खाता खोल लेते हैं और संचय खाते से हर साल प्रीमियम की राशि छुपाते रहते हैं, इसलिए हमको जोर भी नहीं पड़ता।
और हमारी कैपिटल भी बरकरार रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देय विनियम की को सामान्य व्यवहार माना जाए, पहली स्थिति पढ़ेगा कि तीनों में पढ़ना है। पहली स्थिति में देखो, जब फर्म की बैलेंस शीट में जेएलपी खाता खुला हुआ नहीं हो, तो सामान्य व्यय की स्थिति मानी जाएगी। समझ गए होगे? यानी बैलेंस शीट में यदि जेएलपी खाता नहीं खोल रखा तो इसका मतलब है ये अन्य व्ययों की तरह सामान्य व्यय है, और इस राशि को क्या करेंगे हम, लाभ हानि खाते से समायोजित करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसकी नंबर एक प्रविष्टि, प्रीमियम की राशि चुकाने पर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बिहार टू बैंक और प्रीमियम की राशि, ये पहली एंट्री होगी। प्रत्येक वर्ष जब जब प्रीमियम चुकाएंगे, सेकेंड एंट्री होगी देय प्रीमियम की राशि को लाभ हानि खाते से अपलिखित करने पर पीएनएल अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि, ये दो एंट्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। तीसरी एंट्री कब होगी, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी से बीमित राशि प्राप्त होने पर, किसी साझेदार की मृत्यु होगी तो संपूर्ण बीमित राशि प्राप्त हो जाएगी। बैंक अकाउंट
जा, तू जे एल पी अकाउंट संपूर्ण बीमित राशि या प्राप्त बीमित राशि एक ही बात, तीनों में से कोई मतलब नहीं। फोर ये एंट्री एक बार होगी, ये एंट्री पहली दूसरी एंट्री बार बार होती रहेगी, और तीसरी और चौथी केवल एक बार होगी, क्योंकि मरेगा तो एक बार ही, दो बार थोड़ी मरेगा। अगर प्राप्त राशि को सभी साझेदारों में बांटने पर जे एल पी अकाउंट दिया टू और आउट ऑफ कैपिटल ये देखो प्राप्त राशि और ये लाभ अर्जन का ये आपकी पहली स्थिति समाप्त है। ये आपकी पहली स्थिति समाप्त। अब दूसरी स्थिति क्या है, जब विनियोग माना जाए, जब दे प्रीमियम की राशि को विनियोग माना जाए, अब इसकी पहचान क्या है? आप मान लोगे विनियोग, लेकिन विनियोग में कुछ तो पहचान होनी चाहिए कि आपको ऐसा मालूम पड़े कि आज इसको विनियोग माना है, सामान्य व्यय माना है। तो सामान्य व्यय की तो मैंने बताया था कि आपकी बैलेंस शीट में जेएलपी खाता नहीं खुला हुआ है, और विनियोग मानेंगे तो बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में जेएलपी अकाउंट खुला हुआ हो, तो इसका मतलब है आपने क्या माना है, विनियोग माना है। क्या माना है? इसको इन्वेस्टमेंट माना है, कि जो भी पैसा हमारा जा रहा है वो एक सामान्य व्यय नहीं है, हम जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, विनियोग हो रहा है, और वो कभी तो मिलेगा। एंट्रियों में कोई फर्क नहीं है, उसमें भी चार एंट्री थी, इसमें भी चार एंट्री, अंतर क्या आएगा, राशियों जो अमाउंट होगा उसका अंतर आएगा। पहले हम पहली एंट्री होगी वही प्रीमियम चुकाएंगे तो प्रीमियम अकाउंट जाएगा टू बैंक, मैं बताऊंगा इसकी एंट्री। दूसरी एंट्री वही होगी कि इसको विनियोग माना जाए, लेकिन पीएनएल से तो लेंगे ना कुछ राशि, तो जो पीएनएल से राशि लेंगे वो और हमने विनियोग मान रखा है वो, उसके अंतर की राशि इसमें समर्पण मूल्य होती है। ये आज नहीं कल बताया जाएगा,